हे गाइस वेलकम यू ऑल, कैसे हो सब। तो अभी आगरा में ही हूँ। ये ब्लॉग होने वाला है आगरा फोर्ट के बारे में, जो कि लाल किला है आगरा का। सो गाइस ये है बाथटब जहांगीर का। गाइस अमेजिंग फैक्ट इस जगह के बारे में, यहाँ पे दरबार लगा करता था, जहाँ पे जो शहनशाह थे वो ऊपर बैठते थे, और जो पीछे विंडोज़ देख पा रहे हो, इन विंडोज़ के अंदर उनकी रानियाँ बैठा करती थी। और यहाँ पे सारे उनके मंत्री वगैरह बैठा करते थे यहाँ पे, और यहाँ पे फरियाद मांगी जाती थी। So guys, just got to know about an amazing fact about this place. So अभी 25% ही हिस्सा है आगरा फोर्ट का जो एक विजिटर घूम सकता है। 75% जो हिस्सा है वो इंडियन आर्मी के पास है अभी, और ये 1600 समथिंग चलता आ रहा है। हमेशा कोई ना कोई जो सेना थी, जो सैनिक थी, उसने इस पे कब्जा कर रखा था और रूल कर रहे थे। कब्जा तो नहीं, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ कि इंडियन आर्मी ने कब्जा कर रखा है तो वो चीज़ सही नहीं होगा। बट पहले ऐसा था कि हमेशा आर्मी जो थी उन्होंने ही इस पे कब्जा कर रखा था, उन्होंने उस पे रूल कर रखा था, और अभी वैसा ही है। और गाइज ये है वो पूरा हिस्सा जो मैं कह रहा था, जो इंडियन आर्मी के पास है अभी, तो इस पूरे एरिया में जाना अलाउड नहीं है, मना है। ये है बंगाली महल, बिल बिटवीन 1565 टू 1569, और देखते हैं कैसा है। कुछ महल जैसा लग तो नहीं रहा, पूरा खंडर लग रहा मुझे ये। गाइज ये दीवारें गवाह हैं हमारे अक्षय भाई और डैश भाभी के प्यार का। ये काफ़ी कॉमन है हमारे देश के अंदर, ऐसे तो कोई फर्स्ट टाइम नहीं देख रहा मैं।
जो इस प्रकार की नालियाँ हैं उनका काम सिर्फ एक ही था कि जो पानी होता था वहाँ से उस पानी को वहाँ से नालियों के मदद से ही बाहर निकाला जाता था। और उस समय में ये नालियों को ढकने का कोई रिवाज नहीं था, तो ये शायद उनका स्नान घर रहा होगा या फिर रसोई घर रहा होगा। यहाँ से पानी की जो निकासी थी उस पानी की निकासी को यहीं से बाहर निकाला जाता था और इन्हीं पतली पतली क्यारियों की मदद से इन्हें बाहर निकाला जाता था। और गाइज ये मुझे काल कोटरी ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा, पूरे गेट्स है, जालियाँ हैं। गाइज एक और स्टेपवेल तो काफ़ी सारी मुझे लगता है यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बात हमने देखी। That's all for the vlog guys. I hope you have enjoyed it and liked it. Give it a like. I'll catch you guys in the next one. Bye bye.